गोविंदा गोविंदा। आपने तिरुपति में लोगों को ये बोलते हुए जरूर सुना होगा, चाहे वो बालाजी टेंपल में हो या फिर गोविंदराज स्वामी वारी टेंपल में। इस एपिसोड में हम चलेंगे तिरुपति आंध्र प्रदेश के एक हिंदू धर्म स्थल पर, श्री गोविंदराज स्वामी वारी टेंपल। हे गाइस, दिस इज प्रसाद एंड यू वाचिंग ऑल ओवर इंडिया। वेलकम टू अदर एक्साइटिंग एपिसोड। सो आज के इस एपिसोड में मैं आपको ले चलने वाला हूँ तिरुपति का एक बेहतरीन सा टेंपल, जिसका नाम है गोविंदा टेंपल, या फिर आप कह सकते हैं श्री गोविंदराज स्वामी वारी टेंपल, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे, एंड यहाँ पर काफ़ी तादाद में भक्त आते हैं। सो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस टेंपल के अंदर, आपको बताऊँगा इस टेंपल के बारे में बहुत कुछ। हालांकि अंदर मोबाइल एंड कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, लेकिन मैं आपको बाहर से सारी चीज़ें दिखाऊँगा, साथ ही साथ आपको बताऊँगा इस मंदिर के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके काम आएंगे जब आप विजिट करेंगे तिरुपति का इस गोविंदराज स्वामीवारी टेंपल को। सो चले चलते हैं मेरे साथ, एक्सप्लोर करते हैं इस टेंपल को। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए तीन द्वार हैं, मेन एंट्रेंस एंड टू साइड एंट्रेंस। यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको 20 रुपए का एक टिकट लेना पड़ेगा, जो कि मंदिर के डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पर फ्री दर्शन का भी सुविधा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल कैमरा वगैरह आप लॉकर रूम में फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं। यहाँ पर अंदर जाने के लिए स्पेशल ड्रेस कोड है, आप भारतीय परिधान में ही अंदर जा सकते हैं। इतिहास के हिसाब से ये मंदिर 12th सेंचुरी में बनाया गया था। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें गोविंद राज स्वामी कहा जाता है। यहाँ पर आपको विष्णु जी शयन मुद्रा में देखने को मिलेंगे। विष्णु जी योग निद्रा मुद्रा में अपने मुख को पूर्व की ओर, अपने दाहिने हाथ को अपने सिर के नीचे और बाएं हाथ को सीधे अपने शरीर पर रखे हुए देखने को मिलेंगे। तो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये टेंपल का जो मेन हिस्सा है, एंड अंदर आपको टेंपल के अंदर देखिए हाथी भी दिख रहा होगा। यहाँ से पूरा का पूरा टेंपल के अंदर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हाथी भी है। इस मंदिर के चारों ओर पूरा तिरुपति शहर बसा हुआ है। यहाँ पर शाम को गजराज जी के भी दर्शन हो सकते हैं। इस मंदिर के आसपास भी आप कई सारे मंदिर या फिर मठ देख सकते हैं। गोविंदा टेंपल के आसपास आपको कई सारे और टेंपल्स एंड मठ देखने को मिलेंगे, जैसे कि गोविंदा टेंपल के लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर एक मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी वारी टेंपल, एंड उसके ठीक सामने मैं बैठा हुआ हूँ। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। सो ये भी देखने वाली जगह है गोविंदा मंदिर के आसपास। तो वो रहा आपका गोविंदा टेंपल, एंड उसके लेफ्ट साइड पर आपको ये वाला मंदिर देखने को मिलेगा। तिरुपति एक भव्य स्थल है, यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं विभिन्न देवी या फिर देवताओं की। मिलते हैं तिरुपति के और एक एपिसोड में, साथ ही साथ इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस एंड फूड को एक्सप्लोर करते हुए। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडिया।